zaman bitecek? Cezam ne zaman bitecek? Can bir yıl mı? 10 yıl mı? Müebbet mi? Ne zamana kadar üzeceksin beni? Beni bir daha hiç sevmeyecek misin? हर चीज पहले से बहुत अच्छी लग रही है। शायद आप एग्री ना करें, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छा ही हुआ, सब मसले पहले ही हो गए। तो यानी अब वो सिर्फ मुझसे नाराज है? क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। छोड़ो तुम खाना खाओ ना, बहुत मजेदार पुडिंग है। बिल्कुल यकीन है मुझे। यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ठीक है तुम किसी वजह से डिप्रेस थे, लेकिन ये तो हद हो गई है मुराद साहब, क्या पागल हो गए हो? टूल क्या हो गया? खैरियत तो है? कुछ बताओगी आराम से? इस फोटो को एक्सप्लेन करोगे जरा? हयात से बेवफाई करोगे अब? कहां से आई ये फोटो तुम्हारे पास? उन दोनों लड़कियों के फोन से जो किसी भी वक्त इसे एक बम की तरह फाड़ने वाली हैं। ढोल क्या बात कर रही हो? कौन सी लड़कियां, कौन सा बम? सीधी बात करो मुझसे। असली और एपिक का कह रही हूँ, एपिक ने खींची है ये तस्वीरें। बहुत गड़बड़ हो गई है और मुमकिन है कि उसने हयात को भी अब तक दिखा दी होंगी। लानत है। अरे मेरा फोन। ये लो पकड़ो। मुराद कहाँ जाने की तैयारी है? बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ सर, फिर मिलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो अपना काम बाद में कर लेना, मेरा मसला ज्यादा अहम है। बिल्कुल, यानी कंपनी से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करनी। कंपनी से मुतालिक प्रॉब्लम? हाँ बस वो कंपनी में मेरे आने जाने से टाइम के मुतालिक कोई बातें, हम दोनों बैठ कर हल कर लेते हैं मामला। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो जल्दी आओ बस। बताओ तो क्या बातें हुई दादी से? ओहो कोई खास बात नहीं हुई। छोड़ो इस वक्त दादी को यार, असल बात करो जिसके लिए बुलाया है। बताओ क्या कहा करीम ने? क्या कहेगा यार, यही कहा कि हमेशा चाहेगा मुझे, उम्र भर मेरा साथ निभाएगा वगैरह वगैरह। यही के बस और क्या, कहा कि हर हाल में प्यार करता है मुझसे, बस और क्या, बस यही यार। यही तो कह रहे थे हम, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ खुद फ्रस्ट्रेट हुई बल्कि हमें भी डिस्टर्ब किया, जीना दोबर कर दिया इसने हमारा। सही कह रही हूँ ना, कितना तंग किया है हमें यार। देखो यार कैसी हरकतें हैं। करीम ने लेटेस्ट फोटो भेजी है, अब क्या कहूँ। ओ भाई क्यों भेज रहे हो, मुझे तो तुम हर हाल में अच्छे लगते हो डार्लिंग। यार कितनी शानदार स्माइल है ना, मुस्कुराता है तो पूरी दुनिया मुस्कुराने लगती है। बहुत हैंडसम है ना, देखो। सुनो मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता है जब वो सामने आता है, खुशी से पागल हो जाती हूँ मैं। यार ये देखो जबरदस्त लग रहा है ना। अरे मुराद तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? वो नहीं लग रहा होगा मेरा। वो जो फोटो है ना, देखो हरगिज हयात के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझ गई? कौन सा फोटो कह रहे हो मुराद? मुराद कौन से फोटो की बात कर रहे हो? हाँ बोलो मुराद।
तुम फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होने वाला। ओके चलो फौरन बताओ क्या चक्कर है ये। कैसा चक्कर यार? कौन सा फोटो है जो मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए? कैसी फोटो भाई, फोटो का कोई चक्कर ही नहीं। बताओ क्या चक्कर चला रही हो? अरे कोई चक्कर नहीं चला रहे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कोई चक्कर चला रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ बात सुनो, अभी बता दो वरना और गड़बड़ हो जाएगी। या अल्लाह, क्या करें भाई, दिखानी ही पड़ेगी अब तो। शायद असली तो फिर वो फोटो दिखा ही देते हैं, मुराद का सरप्राइज खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। सरप्राइज? यार मुराद भी ना, अब खुद ही टैकल करेगा भाई तुम्हें। अपना सरप्राइज खुद ही बर्बाद कर दिया उसने। मुराद भी अजीब है। सरप्राइज था कोई? हाँ बिल्कुल सरप्राइज था। अच्छा तुम लोग जरा एक्सप्लेन करोगे कि किस किस्म का सरप्राइज था? हाँ क्यों नहीं, कर देंगे बिल्कुल। अब देखो ये जो मुराद है ना, अब इसे हमारी हेल्प की जरूरत पड़ गई है। असल में बात ये है कि वो फोटो है ना, वो जो फोटो है, तुम क्या समझ रही थी कौन सा फोटो होगा? अच्छा अब उठो चलो और अपने सरप्राइज का वेट करो जो मुराद तुम्हें देने वाला है। देखते हैं क्या निकलता है। मुझे इंतजार करना है। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? चलो चलो उठो। कॉल जरूर करना हमें, बताना कैसा रहा सरप्राइज। बाय, खुदा हाफिज। बाय। चलो अब मुराद को कॉल करो कि सरप्राइज तैयार रखे। मुराद, एक बात पता चली है मगर मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत पॉसिबल है वो। हशमत साहब आजकल रोजाना कंपनी आ रहे हैं। जो कहना। ओके मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, इट वॉज वेरी फनी। चलो अब बताओ कि ये सच है। हाँ ये सच है टूल। समझी, समझ गई मैं, ये ख्वाब है यकीनन। जरा मुझे चुटकी काटना। आश्क लफ्ज़ अनलमा